Welcome to Wheels since 2020. Before we start, please subscribe and press the bell icon. So hello everyone and welcome to my channel Wheels since 2020. तो दोस्तों वीडियो का टाइटल देख के आप लोगों को पता चल ही चुका होगा कि आज हम लोग किस गाड़ी के बारे में बात करने वाले हैं। तो गाइज ये आप लोगों का हुंडई का AX1 जो कि एक माइक्रो SUV है। इसके ऊपर पहले भी काफ़ी सारे रिव्यू वीडियोस एंड काफ़ी सारे सपोर्टेड इमेजेस मैंने आप लोगों को के लिए वीडियो बनाया है। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा तो आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल में जाके उस वीडियो को देख सकते हैं, या फिर दोस्तों उस वीडियो का लिंक जो है मैं आप लोगों के लिए अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। आप लोग चाहें तो वहाँ पे भी जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग हुंडई AX1 की एक डिटेल रिव्यू वीडियो करने वाले हैं। इस गाड़ी की कंप्लीट स्पेसिफिकेशन सब कुछ मैं आप लोगों को प्रोवाइड करूँगा आज के इस वीडियो में, कि कब यह गाड़ी लॉन्च होने वाली है, कितनी इसकी प्राइसिंग होने वाली है एक्सपेक्टेड, एंड क्या क्या इस गाड़ी में आप लोगों को ऑफ़र किए जाएंगे, एंड इसके साथ साथ क्या क्या ये गाड़ी जो है आप लोगों को इंजन ऑप्शन प्रोवाइड करेगी, एंड कितने इसके डायमेंशन होंगे, एंड कौन कौन इसके राइवल्स होंगे इंडियन मार्केट में। इन सभी चीज़ों के बारे में डिटेली आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। रिव्यू शुरू करने से पहले मैं आप लोग बता दूँ, हुंडई जो है एक साउथ कोरियन ब्रांड है, ग्लोबली काफ़ी ज़रा फेमस एंड रिनाउंड ब्रांड है। इंटरनेशनल मार्केट में हर साल इसकी काफ़ी सारी गाड़ियां जो है वो सेल होती है, एंड इतना ही नहीं दोस्तों इंडिया में भी ये काफ़ी सालों से अपनी गाड़ियां जो हैं वो सेल कर रही है। एंड दोस्तों इंडिया में सेकेंड सबसे हाईएस्ट कार सेलिंग कंपनी जो है वो हुंडई की ही है। हुंडई की गाड़ियाँ इंडिया में सेकंड सबसे हाईएस्ट सेल होती है पर ईयर। तो दोस्तों अब चलिए शुरू करते हैं हुंडई AX1 की रिव्यू। जैसे कि मैंने बताया कि ये एक माइक्रो SUV है, एक छोटी SUV, एंड दोस्तों इसे बहुत जल्द लॉन्च किया जाने वाला है, इसके रिवील किया जाने वाला है। इसके ऑलरेडी कुछ टीज़र इमेजेस जो हैं वो आप लोग देख चुके होंगे इंटरनेट में, एक साइड में भी आप लोग देख रहे होंगे। एंड दोस्तों इसे इसी साल ही अनवील किया जाने वाला है, एंड सबसे पहले साउथ कोरियन मार्केट में ही लॉन्च किया जाने वाला है, एंड उसके बाद आप लोगों को ये गाड़ी जो है इंडिया में आप लोगों को देखने को मिल सकती है, एंड बाकी सारे इंटरनेशनल मार्केट में भी ये गाड़ी जो है आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो दोस्तों ये जो गाड़ी है आप लोगों को मैं आप लोगों को बता दूं, ये आप लोगों का हुंडई वेन्यू से भी छोटा होगा। हुंडई वेन्यू जो है एक सब कॉम्पैक्ट 4 मीटर SUV है। ये गाड़ी जो है उससे भी छोटी होगी। इसके डायमेंशन जो है आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 3700 mm से लेकर 3800 mm के अंदर हो। यह दोस्तों 3.7 मीटर से लेकर 3.8 मीटर तक आप लोग इसके डायमेंशन जो है वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं होने की, जो कि कंसिडरेबली आप लोगों का अगर हुंडई से कंपेयर करेंगे तो हुंडई वेन्यू से नियरली 200 mm के आसपास छोटी होगी ये गाड़ी आप लोगों की, 200 mm यानी 20 cm छोटी होगी। एंड इसके साथ साथ दोस्तों ये गाड़ी जो है आप लोगों का हुंडई वेन्यू से नीचे प्लेस की जाएगी, एंड ये आप लोगों का जो है हुंडई का K1 प्लेटफॉर्म पे बेस्ड है। K1 प्लेटफॉर्म पे आप लोगों का और भी गाड़ियां हैं हुंडई की जो कि इंडिया में लॉन्च की गई है, जो है आप लोगों का हुंडई सेंट्रो एंड आप लोगों का हुंडई ग्रैंड i10 नियोस, इसी प्लेटफॉर्म पे ही बेस्ड है हुंडई K1 प्लेटफॉर्म।
एंड दोस्तों, अगर डिज़ाइन की बात करें इस गाड़ी की, तो इसे इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि ये यंगर जनरेशन को अट्रैक्ट करेगा अपनी ओर। गाड़ी में एक्सटीरियर की बात करें, काफ़ी क्विक डिज़ाइन आप लोगों को गाड़ी के एक्सटीरियर में प्रोवाइड की गई है। काफ़ी यूनिक डिज़ाइन है, आप लोग देख सकते हैं कॉन्सेप्ट मॉडल साइड में। एंड दोस्तों, ये जो है आप लोगों का काफ़ी सारे कैरेक्टर लेंथ गाड़ी में देखने को मिलेगा बॉडी के थ्रू आउट। काफ़ी सारे लार्ज विंडोज़ आप लोगों को गाड़ी में देखने को मिलेगी। गाड़ी में काफ़ी सारे राउंड ऑफ एजेस आप लोगों को प्रोवाइड किए गए हैं। एंड एक बॉक्सी बॉडी सेल आप लोगों को गाड़ी में दी जाती है। आपका बनेट जो है आप लोगों को फुली फ्लैट बनेट प्रोवाइड की गई है गाड़ी में। स्प्लिट हेडलाइट डिज़ाइन आप लोगों को दी जाती है गाड़ी में, जो कि आप लोगों का हुंडई के वेन्यू में भी आप लोगों को देखने को मिलेगी। बेसिकली हुंडई वेन्यू का एक छोटा मिनी वर्जन जैसा ये गाड़ी है आप लोगों को लग रहा होगा। एंड दोस्तों, टीजर इमेज से ये भी पता चल रहा है कि जो आप लोगों का हेडलाइट है वो आप लोगों का एक सर्कुलर शेप में होगा, एक प्रोजेक्टिव यूनिट होगा। एंड दोस्तों, गाड़ी में आप लोगों को LED DRL प्रोवाइड की जाती है ऊपर, जैसे कि आप लोगों का हुंडई के वेन्यू में दी जाती है। एंड आप लोगों का DRL विद इंडिकेटर्स के साथ आप लोगों को प्रोवाइड की जाती है। एंड अगर टेललाइट्स की बात करें तो दोस्तों, ट्रायंगुलर पैटर्न में आप लोगों को प्रोवाइड की जाएगी। एंड आप लोगों को LED टेललाइट्स प्रोवाइड किए जाएंगे गाड़ी में। एंड दोस्तों, हुंडई AX1 में आप लोगों को रियर में स्प्लिट लाइट क्लस्टर आप लोगों को प्रोवाइड की जाएगी, जिसमें आप लोगों का जो सेकेंडरी यूनिट है आप लोगों का पोजीशन किया जाएगा बम्पर के नीचे। अब दोस्तों, अगर हुंडई की गाड़ियों की बात करें तो ये जानी जाती है अपने सेगमेंट में सबसे ज़्यादा बेहतरीन फीचर प्रोवाइड करने के लिए, सबसे ज़्यादा फीचर्स प्रोवाइड करने के लिए। तो ये गाड़ी जो है आप लोगों को काफ़ी सारे फीचर के साथ प्रोवाइड की जाएगी इंडियन मार्केट में। आप लोग दोस्तों इस गाड़ी में एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हुंडई ग्रैंड आई10 नियोस से भी ज़्यादा फीचर आप लोगों को इसमें मिले। गाड़ी के हायर ट्रिम में आप लोगों को 8 इंच के टच स्क्रीन सिस्टम देखने को मिलेगी, जो कि आप लोगों का एंड्रॉयड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले के साथ प्रोवाइड की जाएगी। गाड़ी में आप लोगों को रियर व्यू कैमरा प्रोवाइड की जाएगी, कीलेस एंट्री, वायरलेस चार्जिंग, कोल्ड ग्लो बॉक्स, पावर फोल्डिंग मिरर्स, इन सारे साथ काफ़ी सारे फीचर प्रोवाइड किए जाएंगे, जैसे आप लोगों को रियर एसी वेंट, USB चार्जिंग सॉकेट, सेंटर आर्मरेस्ट विद स्टोरेज। ये सब कुछ दोस्तों आप लोगों को प्रोवाइड किए जा सकते हैं इस गाड़ी में। अब अगर गाइस गाड़ी की सबसे मेन चीज़ जो होता है गाड़ी का इंजन, उसकी बात करें तो हुंडई AX1 जो है आप लोग इसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यह आप लोगों का 1.2 लीटर यानी कि 1200 cc का 4 सिलेंडर नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन देखने को मिलेगा। यह आप लोगों का 1200 cc का, एग्जैक्टली बात करें तो 1198 cc का 4 सिलेंडर 4 स्ट्रोक PS6 पेट्रोल इंजन होगा, जो कि आप लोगों का ऑलरेडी ग्रैंड आई10 नियोस में प्रोवाइड किया जाता है, जो कि आप लोगों को 83 HP का पावर प्रोवाइड करता है एट 114 Nm ऑफ टॉर्क के साथ। एंड दोस्तों, जो गाड़ी के लोअर वेरियंट्स होंगे उसमें आप लोगों को जो सेंट्रो में इंजन देखने को मिलता है वो इंजन देखने को मिल सकता है, जो कि आप लोगों का एक 1.1 लीटर 3 सिलेंडर पेट्रोल इंजन है। 1.1 लीटर यानी कि 1100 cc, एग्जैक्टली बात करें तो 1098 cc का 3 सिलेंडर 4 स्ट्रोक
BS6 पेट्रोल इंजन है। एंड दोस्तों, अगर इंटरनेशनल मार्केट की बात करें, ये दोनों इंजन ऑप्शन के साथ आप लोगों को एक एक्स्ट्रा 1 लीटर 3 सिलेंडर टर्बो पेट्रोल इंजन देखने को मिल सकता है इंटरनेशनल मार्केट में, जो कि आप लोगों को देखने को मिलता है हुंडई के ग्रैंड आइटन न्यूज में एंड आप लोगों का हुंडई के वेन्यू में वो टर्बो इंजन पेट्रोल इंजन आप लोगों को इंटरनेशनल मार्केट में देखने को मिल सकता है। एंड ये गाड़ी जो है आप लोगों को AMT गियर बॉक्स एंड इसके साथ साथ यानी कि ऑटोमेटिक एंड आप लोगों का 5-स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ प्रोवाइड की जाएगी इंडिया में। अगर इंडियन मार्केट में इस गाड़ी के राइवल्स की बात करें, तो अभी ज़्यादातर राइवल्स नहीं है इस गाड़ी के इंडियन मार्केट में। एक आप लोगों का मारुति सुजुकी इग्निस, जो कि ऑलरेडी इस सेगमेंट में है, उसके साथ साथ महिंद्रा KUV 100 एंड दोस्तों द ओनली अपकमिंग टाटा HPX, जो कि माइक्रो SUV आप लोग देखे होंगे, उसके ऊपर काफ़ी सारे रिव्यू वीडियोस काफ़ी सारे चैनल में हैं। एंड मैंने भी टाटा HPX माइक्रो SUV के ऊपर रिव्यू वीडियो बनाया है, अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा तो आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल में जाके उस रिव्यू वीडियो को देख सकते हैं, या फिर दोस्तों उस वीडियो का लिंक जो है मैं आप लोगों के लिए अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देता हूँ, आप लोग चाहें तो वहाँ पे भी जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। तो बेसिकली गाइस, ये तीनों गाड़ियाँ जो हैं इसके सबसे बड़े कॉम्पिटिटर्स होने वाले हैं इंडियन मार्केट में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही इन्फॉर्मेशन था आप लोगों के लिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। आप लोगों को हमारा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएगा। एंड दोस्तों, आप लोग प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कर दीजिएगा। आप लोगों को ये गाड़ी कैसी लगी ये कमेंट करके बताना ना भूलिएगा। एंड दोस्तों, अगर आप लोग इस गाड़ी के बारे में और कुछ पूछना चाहते हैं और कुछ जानना चाहते हैं तो कमेंट में जाके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आप लोगों के सवालों के जवाब जो है वो आप लोगों को कमेंट में ही दे दूंगा। एंड दोस्तों, अगर आप लोग किसी और गाड़ी का रिव्यू देखना चाहते हैं, किसी और गाड़ी के बारे में कुछ जानना चाहते हैं तो वो भी आप लोग कमेंट में जाके मुझे बता सकते हैं, मैं उस गाड़ी का रिव्यू वीडियो बना के आप लोगों के लिए अपने चैनल में ज़रूर डाल दूंगा। एंड दोस्तों, आप लोगों को ये गाड़ी कैसी लगी एंड इस गाड़ी के बारे में आप लोगों की क्या राय है ये भी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएगा। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं एंड पहली बार के लिए आए हैं तो प्लीज़ गाइस हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हमारे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे एंड ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस जो हैं वो आगे भी आप लोग हमारे चैनल पे देख सकें। तो चलिए दोस्तों, अब इस वीडियो को एंड करने का वक्त आ चुका है। तो थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड गुड बाय फ्रेंड्स एंड टेक केयर।